आज मैं आपके साथ होममेड पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। घर पर बहुत आसानी से और जल्दी से बन जाता है पनीर। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो पनीर बनाने के लिए हमें दूध चाहिए और सिरका अथवा नींबू चाहिए। तो मैंने 1 लीटर दूध लिए हैं और 2 चम्मच सिरका लिए हैं। इसमें 2 चम्मच पानी मिलाकर रख लिए हैं और इसमें मैंने 1/2 लीटर पैकेट का और 1/2 लीटर गाय का दूध मिलाए हैं। आप चाहे तो सिर्फ गाय का, भैंसी का अथवा पैकेट का भी हो तो फुल क्रीम मिल्क लें। तो अब चलिए पनीर बनाना शुरू करते हैं। तो दूध का बर्तन गैस पर रखकर गैस ऑन कर लेते हैं और इसे उबलने देंगे। और मैंने दूध रखने से पहले इस बर्तन में 1 चम्मच पानी डाल लिए थे और अब एक पैचुला की सहायता से इस तरह से इसे चलाएंगे ताकि हमारा दूध तले में लगकर जले ना, क्योंकि दूध जब जल जाता है तो पनीर का टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो इस तरह से चला देंगे तो हमारा दूध जलेगा भी नहीं और पनीर जो बनेगा वो बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी बनेगा। तो इस तरह से एक दो बार चला देंगे और उबलने देंगे दूध को। तो देखिए अब दूध उबल चुका है। तो अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे इस तरह से एक कलछी से इस तरह से फेंट लेंगे 1/2 मिनट तक, ताकि दूध भी थोड़ा ठंडा हो जाए। बहुत गर्म दूध में हमें नींबू का रस या सिरका नहीं डालना है, नहीं तो पनीर हार्ड हो जाता है। और इस तरह से फेंट लेने से सॉफ्ट और स्पंजी पनीर बनता है। 1/2 मिनट हो गया है तो अब इसे सिरका जो हम रखे हैं उसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए और इसे हल्के हाथ से चलाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी नहीं चलाएंगे। और जब ये फटने लगे तो सिरका डालना बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो दूध फट चुका है। मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ। सभी चीजें सफेद सफेद होने के कारण से नहीं दिख रहा था। इसका पानी हरा हो गया है और थक्के की तरह भी नहीं होनी चाहिए पनीर, नहीं तो हार्ड हो जाता है। अब छेना को इस पानी से तुरंत ही इसे छान लेंगे। तो एक बर्तन इस तरह का डालकर और ऊपर एक जाली डालकर और कोई सूती का कपड़ा, सफेद हो, कलर न हो, वो कपड़ा डालकर इस तरह से इसे छान लेंगे। अब ये छेना को इस तरह एक थैली की तरह बना लेंगे और इस तरह से पानी निचोड़ देंगे थोड़ा। देखिए इस तरह से तो अब ये छेना को एक बार सादा पानी से धोएंगे। तो पानी हम ठंडा पानी से नहीं धोएंगे, इसे थोड़ा सा गर्म करके पानी को और धोएंगे, नहीं तो हार्ड हो जाएगा पनीर। मैं इस पानी को पहले से ही गर्म कर रखे थे दूसरे गैस पर। अब इस पानी को इस तरह से निचोड़ लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। हम चाहे तो किसी में बांध कर लटका कर भी पानी को निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने से जल्दी हमारा काम हो जाएगा। तो अब ये पानी हम सारा निकाल लिए हैं। अब ये पानी को फेंक देते हैं और इसी बर्तन के ऊपर जाली रखकर पनीर रखकर और थोड़ा सा कपड़ा को लूज कर देंगे और फिर इसके ऊपर भारी चीज डालेंगे कोई इस तरह का। देखिए इस तरह से थोड़ा प्रेस कर देंगे और इसे 1 घंटे के लिए रहने देंगे इसी तरह से। आपके पास इस तरह का भारी चीज ना हो तो आप इस तरह का प्लेट डालकर और ऊपर से कोई बर्तन में पानी डालकर इसके ऊपर रख सकते हैं। तो अब इसे उठाकर एक साइड में रख देते हैं और छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए। तो देखिए 1 घंटा हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। हमें कोई जल्दबाजी ना हो तो इसे 3-4 घंटा के लिए भी रहने दे सकते हैं, अथवा रात को बना रहे हैं तो रात भर ही छोड़ सकते हैं इसे। तो देखिए बर्तन में इतना ही पानी निकला है क्योंकि हम अच्छी तरह से निचोड़ लिए थे पानी पहले। अब ये पनीर को निकाल लेते हैं कपड़े से। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सेट हुआ है पनीर। अब हम इसका कोई मनपसंद सब्जी बना सकते हैं। यदि हमें अभी नहीं बनानी है सब्जी तो हम एक बॉल में पानी डालकर पनीर को उसमें रख लें और 3-4 दिन के बाद भी यूज कर सकते हैं ये पनीर। तो आप जैसे चाहें, अब इसे एक कटर अथवा कोई चाकू से काट सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे इस शेप में काट लिए हैं और बहुत ही बढ़िया पनीर बना है। आप इसे जरूर बनाइए। और 1 लीटर दूध से 200 ग्राम पनीर बन के तैयार हुआ है। अपने घर पर और अपने हाथों से बनाए हुए कोई भी चीज़ बहुत हेल्दी और टेस्टी होता है और इसे बनाने में तो कोई टाइम और कोई मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगता। तो आप इसे ज़रूर बनाकर अपने घर में यूज कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे डेली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।